पीछे का बाल कभी नहीं झड़ता है ना, और ये सब बाल ऐसे ही रह जाएगा आगे? नहीं नहीं, पूरा ट्रिम करके आता है, स्टेप बाय स्टेप जाता है। हाई डेंसिटी में काम हुआ है तो बाल नेचुरली एकदम मस्त लगेगा, कि लगेगा ही नहीं कि ट्रांसप्लांट हुआ है। और मैं ट्रांसप्लांट करा के बहुत ही ज़्यादा खुश। आज मेरे ट्रांसप्लांट को 3 दिन हो चुके हैं और गाइज आज मेरा डोनर एरिया का पट्टी आज मेरा खुलेगा और देखते हैं कि मेरा डोनर एरिया कंडीशन कैसा है। गाइज मैं 3 दिन से वेट कर रहा था कि कब मेरा 3रा दिन होगा और मैं अपना डोनर एरिया का पट्टी खोलूँगा। तो फाइनली गाइज 3 दिन हो चुके हैं तो मैं अपना पट्टी खोलूँगा और देखता हूँ कि मेरा कंडीशन कैसा है। देखिए इसका पट्टी खोला जा रहा है आज। वाटर से हर घंटे घंटे में यहाँ ट्रांसप्लांट एरिया पे आपको अप्लाई करते रहना है पानी को, इसी तरह आपको मारना है, इस तरह से अप्लाई करना है। आता है कि यहाँ आप देख सकते हैं ब्लड आया हुआ है और ये क्लीन नहीं हुआ है। अगर ये क्लीन नहीं होगा तो यहाँ पे ट्रांसप्लांट जो हुआ है यहाँ ये फेल हो जाएगा और ये सक्सेस नहीं करेगा, यहाँ ग्राफ्ट नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है कि NS वाटर से यहाँ पे जब तक ये ब्लड निकल ना जाए, ये जमा हुआ खून, तब तक आप इसको वॉश करते रहना, आपको मारते रहना पूरा प्रेशर के साथ, इसी तरह से जितना हो सके उतना प्रेशर से मारना है और जब तक ये ब्लड निकल ना जाए। गाइस आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 6 दिन हो चुके हैं। तो गाइस फाइनली मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 9 डेज हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो डोनर एरिया है वो थोड़ा बहुत हील हो चुका है, 9 डेज में इतना हील हुआ है। तो इसी तरीके से आधे घंटे तक पानी मारते रहना है। तो आप ट्रांसप्लांट एरिया पे अच्छे तरीके से पानी मार देते हो, ट्रांसप्लांट एरिया पे लोशन लगाया जाता है ताकि आपके हेयर ट्रांसप्लांट एरिया एकदम स्मूथ हो जाए। तो गाइस आपको बेबी शैम्पू से इसी तरीके से रफ करना है। तो गाइस आप देख सकते हो किस तरीके से रफ किया जा रहा है, और आपको ज्यादा जोर से भी नहीं करना है और ज्यादा आस्ते भी नहीं करना है, इतने आराम से करना है कि मतलब जितनी भी गंदगी है वो सारा निकल जाए। देख सकते हो कि कितने अच्छी तरीके से मेरा हेड वॉश हुआ है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मतलब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। लग रहा है कि मैं एकदम टकला हुआ हूँ और मेरा बाल निकल रहा है। तो गाइस फाइनली मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 18 डेज हो गया है। कैसा कंडीशन लग रहा है कमेंट में बताओ कि क्या मेरा बाल सही है, अच्छा ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गाइस मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 1 मंथ हो चुके हैं और अभी मेरा सेटिंग फेज चल रहा है। तो गाइज अभी मेरा 60% ट्रांसप्लांटेड बाल अभी गिर चुका है, 40% बचा हुआ है और अभी मेरा सेटिंग फेस चल रहा है। जो जो बाल झड़ रहा है फिर वो छोटा 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 निकल रहा है, आप वीडियो में देख सकते हैं, इसलिए इतना सामने से दिखा रहे हैं। आप मेरा जहाँ तक ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ तक आप देख सकते हैं गाइज। और गाइज डोनर एरिया की बात करूँ तो पूरी तरीके से हील हो चुका है, आप देख सकते हैं मेरा डोनर एरिया, पता ही नहीं चला कि यहाँ से ग्राफ निकला है। मुझे पीछे तो पता ही नहीं चला कि मेरा ग्राफ निकला है, वो तो एकदम मेकअप हो चुका है। और गाइज अभी 1 मंथ का कंडीशन कुछ ऐसा है। मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 70 दिन हो चुके हैं, छोटा छोटा बाल निकल रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आज मेरा पहला हेयर कटिंग है गाइज, तो आप मेरा कंडीशन देख सकते हो, छोटा छोटा कुछ ग्राफ्स निकल रहे हैं और साइड से मेरा बाल बड़ा हो गया, तो आज मैं साइड से बाल बनाऊंगा। तो भी बाल हेयर कट होगा मेरा साइड से होगा। तो गाइस आज मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 2nd मंथ हो चुके हैं। ग्राफ्स देखा जा रहा है कि क्या मेरा इंप्रूव हो रहा है। कितना दिन हो गया आपका? 2 मंथ हो चुके। कोई घबराहट नहीं, ये सेकंड प्यार किया ना। अच्छा फर्स्ट प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि लग रहा था कि इतना दर्द होगा क्या, उसी में दर्द होगा नहीं, पेन होगा तो बताइएगा। पेन नहीं और गाइज मेरा फाइनल कट आप देखो कि किस तरीके से मेरा फाइनल कट हुआ है। ट्रांसप्लांटेड बाल कट नहीं करवा सकते, और गाइज आप देख सकते हो कि यहाँ तक मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया है। आप देखो कि ये लाइनिंग है मेरा ट्रांसप्लांटेड का, ये लाइनिंग है और इधर देख सकते हो इधर काफी ग्राफ्स निकल चुके हैं, बड़े बड़े भी हो चुके हैं, लेकिन इधर उतना ग्राफ नहीं आया है गाइस। ये धीरे धीरे आएगा, अभी मेडिसिन वगैरह दी गई है। ऊपर का बाल तो मैं नहीं कटा सकता क्योंकि अभी ट्रांसप्लांटेड बाल अभी कट करने मना किया गया है। क्लियर दिखे कि मेरा ग्राफ कहाँ तक है, पहले मेरे हेयर कहाँ तक थे, इम्प्रूव क्या हुआ गाइस। तो आप यहाँ पे देखो कि गाइस ये मेरा ये
यहाँ तक मेरे हेयर थे इतना था और इतना गैपिंग था। और ये सारे ट्रांसप्लांटेड बाल है जो 2 महीने में मेरा जो इम्प्रूव हुआ है गाइज, 3 महीने कम्प्लीट अब होने जा रहा है। गाइज मैं उठा के आपको दिखा रहा हूँ, आप लोग तो बोलते हो कमेंट में कि उठा के दिखाओ, तो गाइज ये देखो कि मेरा ये सारे मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर से और अब मेरा ये ग्रो होना चालू हो चुका है। मेरा ट्रांसप्लांटेड हेयर से अब ये सारे ग्रो हो रहे हैं। पहले बाल खड़े नहीं थे मेरे, मैं साइड की मांग में रहता था। मेरा एक भैया मिल गया जो 6 महीने पहले मुझसे मिले थे और गाइस मेरा उस टाइम बाल नहीं। तो भैया कैसा लग रहा है मेरा बाल? कंडीशन तो अमेजिंग है, काफी चेंजिंग है, कह सकते हैं कि अभी हीरो लुक आ गया है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में, तो पहले से काफी बेटर है, बहुत अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है देखने में। अपना छोटा भाई है, ध्यान नहीं देते थे, बट अभी एक नजर पड़ जाता है जब सुबह तैयार होता है, चेहरा बता रहा है कि खुश है, लाइफ चेंज। एक समय पर बाल रहना चाहिए, ना रहे तो क्या दुख है, और अभी स्माइल से पता चल रहा है कि बात आ गया। मेरा सारा रिजल्ट का वीडियो देखा इस वीडियो पे, तो गाइज आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना यार, क्योंकि बहुत मुश्किल से वीडियो सब ढूंढ ढूंढ के निकाल के बनाए आप लोगों को दिखाने के लिए, तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो, इसी बात पे इतना मेहनत किए भाई आप लोगों के लिए। और अभी मेरा रिजल्ट देखो गाइज कैसा है, ये मेरा अभी का रिजल्ट है, वो सारा वीडियो मेरा बहुत मुश्किल से निकाले हैं गाइज, आप देखो मेरा ये रिजल्ट। और आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक करो और सपोर्ट करो।